ने कहा प्रतिरोध रुकावट होती ना, तो इसीलिए उसका सिंबल ऐसे क्यों बनाया, जिग जैग बनाया, क्यों उबड़ खाबड़ यानी परेशानी वाला, तो इसलिए इसका सिंबल भी है ये आर का। अब इसमें से करंट चलती है। अब इस आर का जो फॉर्मूला आपने बेसिकली देखा होगा कि आपने देखे, देखिए कभी चांदनी चौक साइड में गए हैं आप जी? तो वहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो नई सड़क जाने के लिए है वहाँ दो साइकिल भी अगर आपस में टकरा जाती हैं तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्रिफ्ट करने के लिए उनको जगह चाहिए होती है, तो जितना वो पतला होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगी। इसी तरह से इसमें जितनी दिक्कत है कोई बात नहीं, लेकिन जितनी लेंथ है अगर यहाँ से यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा ना रेत फैला है सड़क पे, अगर इतना फैला है तो इतनी रुकावट, और इतना ही और फैला दोगे तो रुकावट और ज़्यादा होगी, तो यानी लेंथ के हिसाब से भी रुकावट बनेगी। रोड साउथ दिल्ली में सड़कें कैसी हैं, चौड़ी, दो गाड़ी भिड़ जाती हैं तब भी जो है ना ट्रैफिक चलता रहता है, क्यों कि इधर से निकलने का, तो जितना एरिया ज़्यादा होगा रुकावट कम हो जाएगी ना, प्रतिरोध कम होगा, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी वो यानी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी करेंगे, उसको देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में। ये सर ये आज इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते हुए, ये आज फर्स्ट है सर, इसका नोट कर लिया, सिंबल ऐसे ऐसे क्यों होता है, ये आज क्लियर हुआ, क्योंकि ऊपर खाबड़ है प्रतिरोध करता है।